हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी वोग मोड। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए चलते हैं आगरा घूमने के लिए। तो ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, यहाँ से हम लोग ने ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। आप वहाँ जाकर भी टिकट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एक रिक्शे वाले भैया मिले जो हमको यहाँ पर लेके गए थे। तांगे वाले भैया बता रहे थे ये 7.5 लाख का मिनी ताज है और इसके अंदर पे मीना बाजार है जो कि वहाँ पर नहीं लगती है। यही भैया लोग लेके गए थे वहाँ पे और बोल रहे थे आपको जो शॉपिंग करनी है आप कर लेना वहाँ पे। तो आप इस स्कैम में ना फंसे, आप जो घूमने जा रहे हैं वहाँ पर जाएं। और ये आधे रास्ते पर तांगे वाले भैया ने छोड़ दिया था हम लोग को और उसके बाद हम लोग ये पैदल वॉक करके गए थे। काफ़ी दूर था ये, 1.5 या 1 किलोमीटर के अराउंड था वो। धूप काफ़ी तेज़ थी तो चलने में बहुत मेहनत लग रही थी। साथ में आप पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, कैप और श्रग ज़रूर आप अपने साथ लेके चलें। और ये तांगे वाले भैया की गलती नहीं है, यहाँ से आगे वो बढ़ने ही नहीं देते हैं, आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। और ये साइड साइड में देखिए काफ़ी अच्छी मार्केट थी। और जो लोग अपनी कैप, श्रग या कोई भी कवर अप का सामान भूल जाते हैं तो आप यहीं से शॉपिंग कर लें, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको बहुत तेज़ धूप लगने वाली है। हम लोग ने कितना कोशिश करा था कि जल्दी जाते हैं, पर धूप तो हो ही गई थी। और ये देखिए काफ़ी धूप होने के कारण हमारे पतिदेव जो है कैप लाना भूल गए थे घर से, इतना कहने के बावजूद भी। फिर यहाँ से हम लोग ने एक कैप ली और फिर उसके बाद आगे बढ़े। जो सामने गेट दिख रहा है यहीं से एंट्री है ताज देखने की। देखिए हैट, कैप, बच्चों का सनग्लासेस सब मिल रहा था। ये देखिए प्रवेश द्वार हमारा, यहाँ से हम लोग ने लाइन लगा कर एंट्री करी। और ये देखिए वहाँ पे टिकट स्कैन होती है। आप फ़ोन पे अगर डिजिटल लेके जाते हैं तो आप स्कैन करा सकते हैं, आपको पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 गेट हैं एंट्री लेने के, तो ये हमने ईस्ट गेट से एंट्री ली है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कराई हम लोग ने, उसके बाद ही आगे बढ़ते हुए देखिए हम लोग को ताजमहल दिख रहा है। और ये है इसका ईस्ट गेट का मेन एंट्रेंस। और देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना ब्यूटीफुल सा व्यू आता है। ये हम लोग का इंस्टेंट प्लान था। रात में हम लोग ने खाना खाते खाते डिसाइड किया कि चलो कल चलते हैं ताजमहल देखने के लिए। तो निकल लिए हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग। इवन ये प्लान रात के 11 बजे बना था और रात के 12 बजे हम लोग ने होटल बुक करके सुबह सुबह निकल गए थे। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। मोस्टली रील्स में आपको दिखेगा, यहाँ पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा नहीं आता है। और ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा ताज, इसकी कितनी ही तारीफ करी जाए कम है, तो बहुत सुंदर। और आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में नॉर्मल आपको टूर करा रही हूँ। और ये देखिए अगर आप पानी भूल भी जाते हैं तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ठंडे पानी की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, आप कितना भी पानी पी लें और साथ में रखें ज़रूर। और ये देखिए इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं ताजमहल के अंदर। तो ये जो टिकट थी हम लोग की 250 रुपये पर पर्सन थी, और जो 50 रुपीज़ का मिलता है टिकट वो आपको नीचे नीचे घूमने के, मतलब ये जो आप नीचे के देख रहे हैं आपको यहाँ पर घूमने मिलेगा, उसके ऊपर चढ़ने को नहीं मिलता है 50 रुपीज़ वाली टिकट में। अगर आप अंदर उनकी कब्र तक जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको वो मिलेगा देखने को ज़रूर 250 वाले टिकट में। और ये देखिए पीछे यमुना नदी दिख रही है। आपको बता दूँ ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिसको हम लोग अपना फ्रंट से देखते हैं वो एक्चुअल में फ्रंट व्यू नहीं है, वो बैक व्यू है। और जो रिवर के सामने है वो एक्चुअल ताज का फ्रंट व्यू है। काफ़ी कम लोगों को पता है, इवन मुझको भी नहीं पता था, पहले पता चला। उसके बाद हम लोग फिर 1 घंटा घूम के वापस चले जाते हैं अपने होटल रूम पे। वापस क्या फर्स्ट टाइम चेक इन करने जाते हैं, पहले तो हम लोग घर से सीधा ताजमहल देखने गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमारी बुकिंग रात में ही करा ली थी, तो हमारी बुकिंग थी सरोवर पोर्टिको में, रॉयल सरोवर पोर्टिको आगरा, जो कि बहुत ही पास में है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा ताजमहल से। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रूम है प्रॉपर, और कितनी सुंदर सी पेंटिंग लगी है, स्पेस बहुत अच्छा है इसमें। ये आपको डॉन की डायरी रखने के लिए तिजोरी भी दी गई है, मैंने अपना सामान पहले ही रख दिया था। और उसके बाद में ये देखिए वॉशरूम है जो कि नीट एंड क्लीन प्रॉपर। ये आपको टेलीफोन दिया गया हुआ है, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन सब कुछ है। ये है आपका बॉम्बिंग एरिया। एंड देन ये हेयर ड्रायर एंड शैम्पू एंड कंडीशनर, सॉरी शैम्पू एंड बॉडी वॉश था। एंड ये शावर एरिया है और वो हम लोग थे। और इसके बाद में ये देखिए एक बड़ा सा मिरर है, आप रेडी होकर यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं खुद का फुल इमेज दिखेगी आपकी। और ये है टीवी, और ये साइड में दिया, अगर आपको ऑफिस का काम होगा तो आप ऑफिस का काम कर सकते हैं आराम से यहाँ पर बैठ के।
वैसे छुट्टी के टाइम पर क्यों ही आपको ऑफिस करना है, थोड़ा सा छुट्टी अपने लिए भी निकाल लीजिए, खुद का वक्त भी इंजॉय करिए। बहुत अच्छा लगता है सारा टाइम काम काम काम, घूमने आए तो घूमिए ना फिर। और उसके बाद ये देखिए हमारे रूम पे खाने पीने का दिया गया है, ये स्नैक्स एंड सारा ड्राई फ्रूट्स है, उसके बाद नीचे ड्रिंक्स दी गई हुई हैं, इसमें कोक है और स्पार्कलिंग वाटर है, कोकोनट वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। ये स्टूल दिया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम था। ये काउच दिया गया हुआ है, एक टेबल और अलग से दिए, चार्जेबल है। अगर आप इससे कुछ आइटम लेते हैं तो आपको नीचे अपने बिल पर शो करना पड़ेगा, आपको पेमेंट पूरा करने से पहले बताना पड़ेगा, इवन चेकआउट से पहले बताना पड़ेगा अगर आप पहले ही पेमेंट कर चुके। फिर हम लोग शाम को रेडी होकर निकल लेते हैं ताजमहल के बाद आगरा फोर्ट देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेट थे, तो उसके बाद हम लोग फिर से निकल जाते हैं ताज देखने के लिए। सुबह हम लोग बैक व्यू देख कर आए थे ताज का, जो एक्चुअल लोगों को फ्रंट लगता है, पर ये है फ्रंट व्यू ताजमहल का जो कि रिवर साइड से दिखता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा दिखता है ताजमहल, और ये देखिए इसकी ब्यूटी कितनी अच्छी है। उसके बाद हम लोग शाम को आ जाते हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए, होटल में ही था हमारा डिनर, तो इसका एम्बियंस देखिए कितना प्यारा सा है। ये है आपका वेटिंग एरिया जो कि बहुत सुंदर सा है, और उसके बाद आपको हम ले जाते हैं आगे, वहाँ से हम लोगों ने सामने से एंट्री करी थी। इधर पे ड्रिंक्स का है सारा सिस्टम, और वो देखिए राइट साइड पर है यहाँ पर रिसेप्शन, एंड देन ये हम लोग चले हैं पूल एरिया के साइड में। अभी तो फ़िलहाल धूप ज़्यादा है, तो हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे पूल पार्टी करने के लिए, पूल पार्टी क्या, पूल में एंजॉय करने के लिए। तो ये चले हम लोग पूल की साइड में जो कि बहुत सुंदर सा है। यहाँ पर ये पार्किंग दी गई हुई है, पहले पार्किंग है, और उसके बाद हम लोग चले ये पूल की ओर। और ये देखिए कितना प्यारा सा है इसका व्यू। अगर आप लोग रील्स वील्स बनाते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ का। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि उस दिन तो हम लोग रात में ही वापस आए थे सीधे डिनर करने के लिए। और ये देखिए पूल कितना प्यारा सा है, बहुत ब्यूटीफुल सा। और ये यहाँ पे लॉन्ज है, स्पा है, आप जो भी करना चाहे, बॉडी मसाज है, सारा कुछ मिलेगा, आयुर्वेदिक बॉडी मसाज। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे ये निकलते हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए। उस टाइम जब हम लोग आगरा फोर्ट देखने गए थे ना, तो भैया बोल रहे थे अभी टाइम बाकी है 5 मिनट, 6:30 पर बंद हो गया था आगरा फोर्ट। वो कह रहे थे आपको मैं स्पेशल एंट्री करा दूंगा 1100 रुपीज़ की, तो प्लीज़ आप इस स्कैम में ना फंसे, आप एक दिन वेट करके नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं देखने के लिए। तो ये देखिए ये है आगरा फोर्ट की एंट्री, और ये जो दिख रहा है आपको दरवाज़ा आगरा फोर्ट का, वो बताते हैं अभी बंद कर दिया गया है, पहले बहुत नीचे तक था, काफ़ी बड़ा डोर था जो राजा महाराजा के टाइम पर था, जो कि चेन से पूरा खुलता था और उसको बंद कर दिया जाता था जिससे कोई दुश्मन महल में एंटर ना कर सके। तो कितना दिमाग लगा के बनाया गया था ये। ये आप स्लोप देख रहे हैं, इसमें क्या है हाथी घोड़े को चढ़ने में आसानी हो, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर लेकर जाना रहता था और उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी, और दुश्मन जब हमला करते थे तो उनके ऊपर यहाँ से बड़े बड़े पत्थर छोड़ दिए जाते थे ताकि वो अंदर ना जा सकें। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अंगूरी बाग है, मीना बाज़ार है, काफ़ी कुछ है, पर आपको कुछ ही पार्ट महल का एक्सेस करने को मिलेगा और बाकी सारा इंडियन आर्मी के अंडर पर है। यहाँ पर देखिए यहाँ से फोर्ट से ताजमहल को कितना सुंदरता से देखा जा सकता है, कितना ब्यूटीफुल है। ये देखने के बाद हम लोग सीधा रूम पर जाते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग ये ब्रेकफास्ट करके अपने घर की ओर निकल लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।